नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी आमीन जी मौजूद है, इसी के साथ साथ कार्तिक भी हमारे साथ मौजूद है। और चर्चा इस बात पर जिस तरीके से चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे लगभग आ गए हैं, बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के चेहरे पर हम जनता वोट दे रही है और उस चेहरे पर भरोसा भी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही भरोसा साल 2024 में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि जब शुरुआती रुझान आ रहे थे, अगर हम एग्जिट पोल की बात कर ले तो कांग्रेस ये कह रही थी कि देखिए मोदी मैजिक जो है वो अब बेहद ज्यादा कम हो गया, मोदी मैजिक वो नहीं है जो हमने पिछले चुनावों में देखा था। और इन चुनावों को ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सप्ताह का सेमीफाइनल, अगर आपने ये चुनाव जीत लिया तो इसका मतलब, जैसा कि कांग्रेस का कहना था कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं तो हम साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भी जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मामला खेल पूरे तरीके से बदल गया, जो छत्तीसगढ़ हाथ में आने वाला था वो भी निकल गया। और अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जलवा बरकरार रहेगा और एक ही चेहरा क्या रिपीट फिर से होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे और देश और दुनिया को ये दिखाएंगे कि देखिए मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिछले 6 महीने से कहा जा रहा था कि 2023 जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि जो 2023 के इन 5 राज्यों में जनता जिस पे मुहर लगाएगी, एक तरह से 2024 में जब वो आएंगे और वोट मांगने तो इसका असर होगा और इसी पे जो है 2024 की जो है रोटी या सड़क या जो परसेप्शन सेट किया जाएगा। सुबह भी जब हम कार्तिक से बात कर रहे थे तो इनका एक दबाव था कि राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है, ये वोट तो नहीं दिलाता लेकिन हवा जरूर, हवा का रुख जो है बदल देता है। राजनीति अमीन सर पर जो है सच्चाई पे कम चलती है, परसेप्शन पे ज्यादा चलती है, उसी के आधार पे जो है सब कुछ तो चलाया। और मुझे लगता है कि सेमीफाइनल का जो हवा का मूड है मोदी के पक्ष में गया है और तीन राज्यों की जनता यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों की जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है। अब ये 2024 में ये कहा जा सकता है या बीजेपी के तरफ के नेताओं द्वारा ये परसेप्शन बनाया जा सकता है या हवा उड़ाई जा सकती है या वो अपने हिसाब से एक माहौल पैदा कर सकते हैं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि जनता मोदी के साथ। बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि देखिए ये एक तरीके से पिच होगी बीजेपी के लिए, अगर जीतती है तो एक तरीके से जीत की पिच वो तैयार कर लेंगे जैसा क्रिकेट में होता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीति क्रिकेट से ज्यादा भी जुड़ रही है। हाँ, सही बात, ज्यादा जुड़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी क्रिकेट से जोड़ा जा रहा था, वर्ल्ड कप को लेकर हमने देखा। और इस बात से कोई भी, मुझे लगता है कि कोई अनजान नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि आगे भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनके हाथों में देश सबसे ज्यादा सुरक्षित है, चाहे हम बात कर ले पूरी दुनिया के सामने ताकत दिखाने की, चीन के सामने ताकत दिखाने की, विदेशों में डंका जिस तरीके से भारत का बज रहा है, मुझे लगता है कि उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है कि हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए था जो अपनी बात विश्व पटल पर रख सके और जैसा कि बीजेपी कहती है कि जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास में ना हो। देखिए, यहाँ जो आपका सवाल है इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो है, ये इन विधानसभा चुनाव पे मैं बाद में आऊँगा लेकिन पहले मैं ये बताऊँ आपको, अभी लगभग 3-4 महीने पहले एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम अगले 5 साल में हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हालांकि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें किसी को नहीं पता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी, लेकिन आप एक आत्मविश्वास का लेवल देखिए कि किस क्या सोच कर उन्होंने कहा कि हम जो है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, जबकि 4 ट्रिलियन पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच भी चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी 2024 में बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो चुनावी नतीजे बताएंगे, जनता बताएगी, लेकिन पहले तो इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के किसी प्रधानमंत्री ने बॉस नहीं बताया था। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी जैसे भले ही छोटा सा देश है लेकिन पैर छूकर किसी ने सम्मान नहीं दिया था। अमेरिका मतलब विश्व शक्ति है, अमेरिका वर्ल्ड पावर है, अमेरिका जो चाहता है दुनिया में वो अमेरिका करता है। वो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री को मोदी को बुलाता है और कहता है कि आपके लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, अगर कभी भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी, रूस यूक्रेन को ले लीजिए, सबसे पहले किसकी तरफ देखा गया, हिंदुस्तान की तरफ देखा गया। अभी जो चल रहा है इसका इसराइल का और गाजा का जो चल रहा है किसकी तरफ देख रही है दुनिया, हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। और अब बात करता हूँ मैं विधानसभा चुनाव की। देखिए 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले 2018 में इन्हीं 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनी,
कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में भी किसकी सरकार बनी कांग्रेस की, और आपका राजस्थान में भी किसकी सरकार बनी कांग्रेस की, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना और मिजोरम में तो बीजेपी का इतना जाना धार कोई है नहीं, एक सीट तेलंगाना में मिली थी। लेकिन इस बार देखिए वो हालांकि सिंधिया के आने के बाद भले ही जो है जनाधार मध्य प्रदेश का थोड़ा शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ, लेकिन इस बार देखिए अगर यही सेमीफाइनल है, मैं नहीं कह रहा उस बात को जैसे कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं और तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, अगर यही सेमीफाइनल है और यही अगर पिच है तो अब देखिए छत्तीसगढ़ में किसके पास बहुमत है 2024 के लिए, 2019 में और 2024 में अंतर करिएगा, छत्तीसगढ़ का बहुमत किसके साथ है मोदी के साथ है, राजस्थान का बहुमत किसके साथ है मोदी के साथ है, और मध्य प्रदेश का बहुमत किसके साथ है मोदी के साथ है। तो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था 28 दलों को लेके, तो जनता भी जानती है कि 28 दल जब पहले ही अपनी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, सीट शेयरिंग पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं पता क्योंकि उनका नेता कौन होगा, जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि दूल्हा तो आप ही होंगे राहुल गांधी को, तो उन्हें नहीं पता उनका दूल्हा कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि राखी ऐसी पार्टी पर ऐसे नेतृत्व पर देश की जनता भरोसा करना चाहेगी। बिल्कुल, लेकिन आमिन जी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, जैसा कि आपने भी कहा कि हर कार्यकर्ता उनकी बात सुनता है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निर्देश देते हैं तो उन निर्देशों का पालन बड़ी ही कड़ाई के साथ होता है, उनको सुना जाता है, समझा जाता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कह दिया था, आलाकमान ने कह दिया था कि वसुंधरा राजे की बात सुनी जाएगी लेकिन इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं किया जाएगा, तो इस बात को सुना गया, और जैसा कि सभी लोगों को लग रहा था कि जब सीट बंटवारा हुआ और ये तलखी चल रही थी, तो इसीलिए बीजेपी के जो आलाकमान की तारीफ होनी चाहिए, वो भले ही सीएम बनाए ना बनाए, लेकिन उन्होंने सीट बंटवारे के वक्त वसुंधरा राजे को पर्सनली बुलाया, नड्डा मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि आपके उम्मीदवार कौन है, उनको टिकट बंटवारे में जो है ऐसी जगह दे दी गई। तो अमित जी मुझे लगता है कि ये नेतृत्व क्षमता है जिसे हम लोग कहते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से विश्व पटल पर देश में उनको इतना ज्यादा सम्मान मिलता है, और सिर्फ उन्हीं के चेहरे पर लोग वोट दे देते हैं, और ये कहा जाता है उनको, मैंने कई जगह पर पोस्टर्स देखे, हालांकि उनकी तुलना भगवान से भी लोग कर देते हैं कि हमारे लिए तो इन्होंने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। विधानसभा चुनाव में भुनाने से नहीं जो है बीजेपी जो है भुनाया है उसने, हर जगह चुनाव प्रचार में राम मंदिर का जिक्र किया है, तेलंगाना तक कहा है कि हम आपको, आप सरकार बनाइए, हम आपको फ्री बस से जो है तो, राम मंदिर की यात्रा तो मुझे लगता है अमीन जी नेतृत्व क्षमता पीएम नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत अच्छी भी है। मुझे ये लगता है कि जब भी किसी भी स्टेट में चुनाव होता है तो दूसरी पार्टियों के नेता लड़ते हैं चुनाव, और बीजेपी के संगठन इतना मजबूत है, बजरंग दल, एबीपी, बीहिप, आरएसएस, और जो है किसान मंच, इतने संगठन है, संगठन चुनाव लड़ते हैं, और सबसे बड़ी चीज है वही बात है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, वही जमीन से लेकर चलती है। सिंपल सी बात है, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हुई है तो इसमें मोदी का नहीं, मोदी को मजबूत करने वाले जो संगठन में लोग हैं उनकी जीत है, और उन्हीं की जीत से प्रधानमंत्री मोदी मजबूत हुए। बिल्कुल देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता कितनी ज्यादा मजबूत है ये पूरा विश्व देख रहा है, दुनिया देख रही है, और सभी इस बात का सम्मान भी करते हैं, और यही कारण है कि पूरे देश दुनिया में मोदी जहां भी पहुंचते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं। तो कहा जा सकता है अगर ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है और ये पिच तैयार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, तो साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम की कुर्सी पर विराजेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।